हाल में सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर हुई हैं, जिनका उद्देश्य है ये साबित करना कि जम्मू और कश्मीर में सब शांत है और सामान्य स्थिति लौट आई है। आशीष कोहली, जो अपने आप को पत्रकार कहलाते हैं, ने इन तीन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए दावा किया कि ये उस दिन ही की तस्वीरें हैं, माने 3 अक्टूबर 2019 की। उनके ट्वीट पर किसी और यूजर ने कमेंट किया कि ये तस्वीरें पुरानी हैं। ये देखकर ऑल्ट न्यूज ने तस्वीरों की और छानबीन करी। चलिए बारी बारी से इन तस्वीरों की जांच करें। फोटो नंबर 1। ऑल्ट न्यूज को मार्च 2019 में समीर यासर नामक एक पत्रकार द्वारा की गई एक ट्वीट मिली। केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 पर लिए गए फैसले के 4 महीने पहले यानी कि 22 मार्च 2019 की ट्वीट में ये समान तस्वीर शेयर करी गई थी। फोटो नंबर 2। ये तस्वीर अप्रैल 2017 के कश्मीर लाइफ द्वारा प्रकाशित एक लेख में दिखाई दी। फोटो नंबर 3। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये तीसरी तस्वीर नवंबर 2016 में डेली एक्सेल्सियर नामक जम्मू एंड कश्मीर के एक दैनिक में प्रकाशित हुई थी। ये श्रीनगर की एक रिपोर्ट थी। कश्मीर की पुरानी तस्वीरों को आर्टिकल 370 पर लिए गए फैसले के कुछ हफ्तों बाद क्षेत्र में सामान्य स्थिति साबित करने के लिए हालिया बताकर शेयर किया गया। अगर आपको कोई भी न्यूज रिपोर्ट फॉरवर्ड या अफवाह जज्बाती लगे तो कृपया उसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर करें, ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।